देखिए गाइस, आज बात करने वाले हैं, अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है उसमें आपने जब बनवाया था अकाउंट नंबर कोई और दिया था, अब वो आपका अकाउंट नंबर बंद हो गया है, फिर केवाईसी उसमें नहीं है, तो गाइस आप उसमें अपना नया अकाउंट नंबर अपडेट कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको ई श्रम कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर आ जाना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिले, यहाँ पर मिला रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम, उसके जस्ट नीचे लिखा है अपडेट, तो आपको इसी अपडेट वाली बटन पर टिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना यूएन नंबर डालना होगा जो आपके ई श्रम कार्ड पर लिखा होता है, जो आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, उसके बाद ये कैप्चा यहाँ पर डाल के आपको जनरेट ओटीपी कर देना है। तो देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपका लेबर कार्ड है वो खुल चुका है, इस टर्म को एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ अपडेट ई केवाईसी इन्फॉर्मेशन वाली बटन है, आपको सिर्फ इस पर टिक करना है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आधी सबसे पहले यहाँ पर आप अपडेट प्रोफाइल का मिलेगा, यहाँ पर आप कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो वो डाउनलोड कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात जाए यहाँ पर देखिए एक नया ऑप्शन और जुड़ गया, फाइंड एलिजिबल स्कीम, यहाँ इस पर आपको कौन कौन सी हैं जो स्कीम के लिए आप एलिजिबल हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए अगले वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे आपको अपनी स्कीम फाइंड करना है, कैसे आपको चेक करना है, उससे पहले मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ अपडेट प्रोफाइल में आपको जो बैंक अकाउंट है वो कैसे अपडेट करेंगे वो आप यहाँ इस वीडियो में हम आपको अपडेट करके दिखाएंगे, तो आपको इसी पर टिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन का बटन मिल जाएगी, एड्रेस की मिल जाएगी, एजुकेशन एंड इनकम की मिल जाएगी, ऑक्यूपेशन आपका काम क्या है, स्किल क्या, बुक्स की बटन मिल जाएगी, यहाँ पे आपको मिल जाएगी बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट की, आपको इसी पर क्लिक कर देना, अकाउंट है उसकी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, इसे मैंने यहाँ पे हाइड कर रखा है, और आपको यहाँ पर न्यू अपडेट करनी है, अकाउंट की डिटेल देनी है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। देखिए यहाँ पर आपको वही बैंक अकाउंट नंबर दे देना है जिसे आप अभी फिल करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, वो अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल कर देना है, कन्फर्म अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल कर देना है, और जो आपका बैंक अकाउंट में नाम जैसा लिखा है वैसा ही सेम यहाँ पर आपको फिल कर देना है, आईएफएससी कोड है आपको यहाँ पर फिल कर देना है, अगर यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, यहाँ पर आपकी बैंक का नाम और ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से आपको अपडेट कर देना है। तो देखिए जैसे ही अपडेट कर देंगे यहाँ पर कंटिन्यू वाली बटन मिल जाएगी, यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। अब आपकी जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो देखिए यहाँ पे अपडेट हो चुकी है, अगर आप उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि हमने कौन सा अकाउंट नंबर लगाया तो यहाँ पे प्रीव्यू वाली बटन पे आपको टिक कर देना है। तो देखिए जो भी आपके ई श्रम कार्ड पे जो भी डिटेल आपकी अपडेट है वो सारी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करके आना है, जो भी आपने बैंक अकाउंट नंबर अपडेट किया था उसकी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, इस वाले कॉलम में आपको लास्ट में बैंक अकाउंट डिटेल देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आने को मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको जब हो जाएगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको गो बैक कर देना है, करने के बाद अगर आपको अपने कार्ड को डाउनलोड करना है तो यहाँ से फिर से बैक कर देना है, और यहाँ पर लिखा है डाउनलोड यूएन कार्ड, तो आपको इसी पर टिक कर देना है। तो देखिए आपका यूएन कार्ड डाउनलोड होके आ चुका है, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं स्कीम के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जॉब देख सकते हैं, स्किल के लिए देख सकते हैं, अप्रेंटिस करना चाहते हैं वो देख सकते हैं, या फिर कोई पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो देख सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट आपको डिजिटल स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ई श्रम कार्ड को अपडेट कर पाएंगे। वीडियो में जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार वीडियो अच्छे से सब्सक्राइब कर लें।